हंसेगा सब लोग, सब हंसेगा, बहुत हंसी आएगा। हम तोरा खातिर ताजमहल भी ऐसे कैसे कर पाई बेटा तुम। अच्छे नजरों से देखो तो पूरा दुनिया हसीन है। मम्मी मेरा कितना तारीफ कर रही है। मैं इसे भी बहुत खुश रहने वाली। मम्मी ये कैसा लगा? श्रीदेवी जी का है ये तो बहुत ही अच्छा बेटा। छोटे से ही हो जाती थी फिर यही सब बनाती रहती करती रहती थी। देखते थे वाह, देखते थे आरे भर कर ना बेटा करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है, कुछ ब्लॉग्स मैंने नहीं बनाया है आज। मतलब मैं मम्मी के साथ बैठूंगी और जो इंस्टाग्राम में रील्स होता है मैं रील्स ही बना लेती हूँ कभी टाइम पाने से। मैं वीडियो में भी शेयर की हूँ, बोलती हूँ कभी कभी। तो रील्स मुझे ये सब चीज़ मतलब गाना का बहुत शौक है और टिकटॉक वगैरह में सब जब आया था ना मैं देखती थी, बनाती नहीं थी, ऐसे ही देखती थी और देखती थी थोड़ा बहुत फिर बंद कर देती थी। पर जब थोड़ा सा फिर रील्स जब देखी ना मैं कभी कभी देखती थी तो मैंने चलो सब लोग बना रहे तो एक दो मैं भी बना लेती हूँ। जब थोड़ा थोड़ा बनाने लगी ना मुझे अपने आप इच्छा मतलब जागने उठा कि हाँ चलो बनाते हैं। और जब भी खाली टाइम पाती हूँ मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ रील्स। मुझे क्योंकि गाना सुनने का बहुत शौक है मुझे और बचपन से मैं गाना, पढ़ाई लिखाई सब खत्म होने के बाद मेरा जो बोलते हैं ना मेरा टाइम पास जो होता है, मुझे अच्छा वाला जो मूड मेरा अच्छा हो जाता है वो गाना है। गाना सुनना मुझे बहुत 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 पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पापा मम्मी को पसंद है, हम लोग के घर में सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरा यहाँ पे मम्मी पापा मेरा भाई सबको पसंद है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ फैमिली में सबको गाना सुनना पसंद है, बहुत सुनते हैं हम लोग गाना। और तो इसीलिए और बचपन से ही ऐसे जब गाना वाना पढ़ाई लिखाई करने के बाद टीवी देखती थी, गाना लगा कर कुछ म्यूजिक चैनल लगा के बैठ जाती थी, बेड के ऊपर देखती थी और उधर उधर मम्मी किचन में खाना बनाते रहती थी तो फिर गाना वगैरह देखते रहती थी। और अच्छा पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसके सामने खड़ा होकर पूरा अच्छा से वो जैसे गाना गाता था वैसे एक्सप्रेशन वगैरह भी करती थी तो मुझे अच्छा लगता था गाना सुनना और ऐसा एक्सप्रेशन करना। डांस वगैरह का भी मुझे शौक है, मेरे पापा मुझे सब कुछ सिखाए पढ़ाई के अलावा। हम लोग ओडिशा से बिलोंग करते तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है हमारा ओडिसी है वो भी मेरे पापा मुझे सिखाए हैं, सब कुछ सिखाए हैं पढ़ाई लिखाई के बाद। और ये सब चीज़ का शौक भी है मुझे। तो बस तो जब टिकटॉक वगैरह नहीं बनाती थी सिर्फ देखती थी, हो कौन बन ऐसे नहीं बनाती थी, बंद कर देती थी फिर देखती थी थोड़ा, फिर बंद कर देती थी। फिर जब रील्स थोड़ा देखने लगी ना और 90s का सॉन्ग का तो कुछ बात ही निराला है तो मैं बोली 90s का सॉन्ग्स का मैं रील्स बनाऊंगी। अभी का भी बनाती हूँ जो गाना मुझे अच्छा लगता है, पर 90s का सॉन्ग जो है ना उसका कोई 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 कंपैरिजन नहीं। तो वो सबका बनाना शुरू किया मैं हूँ। बहुत ही सिंपल है, हम लोग का सिंपल फैमिली है पूरा। तो जब बनाती थी ना ऐसे तो इंस्टाग्राम में मेरे भाई का ही आईडी है जो मुझे फॉलो करता है, मेरा भाई है, पर पापा मम्मी तो नहीं है। तो मैं बोली हाँ बना लेती हूँ, पापा मम्मी थोड़ी ना देखेंगे। पर फिर डर भी लगता था पापा मम्मी क्या सोचेंगे, डांटेंगे क्या कर रही है ये क्या नहीं, क्योंकि एक सिंपल परिवार से आके मतलब ऐसे वीडियो वगैरह बनाना का बात समझ सक रहे होगे कितना मतलब ये होता है। फिर धीरे धीरे जब मैं बोली थोड़ा बनाई ना, बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और अच्छा बन भी जाता है भगवान की कृपा से, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ का शौक है ना और अच्छा भी लगता है गाना सुनने। वो जैसे गाना बनता है मेरा मुँह चेहरा अपने आप ऐसा बन भी जाता है। जो चीज़ का शौक रहता है, जो चीज़ आपका इंटरेस्ट रहता है ना, वो चीज़ आप अच्छा करोगे। तो ऐसा मम्मी को भी मैं धीरे धीरे ना मम्मी का व्हाट्सअप नंबर में भेजने लगी बना के। पहले तो मेरा भाई मुझे बहुत बोलता था दीदी ये क्या कर रही है, और मम्मी फिर मम्मी को बोल के बोलते दोनों जन मिलके पूरा। पापा तो उतना टाइम नहीं दे पाते थे, पापा उतना नहीं जानते थे,
मम्मी और मेरा भाई जानते थे और हंसते थे, बोलते दीदी क्या कर रही है ये सब, हंसते थे। और फिर जब धीरे धीरे मम्मी देखने लगी तो बोल रही है हाँ चांदनी, मेरा घर का नाम चांदनी है। तो बचपन से ही वो ये सब गाना सुन के आईना के सामने खड़ा होकर एक्सप्रेशन करती थी। उसका पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद उसका ये सब टाइम पास था। तो देखो धीरे धीरे ये सब निकल गया, जो उसका छोटा का जो शौक था वो अपने आप शुरू हो गया। फिर से आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक रील्स एक एक वीडियो मम्मी को दिखाती हूँ, फिर देखती हूँ मम्मी का रिएक्शन। मम्मी तो सब देखी हुई है पर कुछ इतना बताती नहीं है, हाँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ऐसे बोल के छोड़ देती है। अभी कैमरा के सामने देखते क्या बोल रही है। मीना मेकअप लगा रही है। बाज फिल्म है ना ये, चालबाज फिल्म का एक ये था, डायलॉग था श्रीदेवी जी का। मीना मेकअप लगा रही है क्यों ही, तेरे बाप का माल है जो लाड़ और रानी लगा रही है। ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है। अभी मम्मी का बोलती है देख रहे, मम्मी कैसा लगाई था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो सब बहुत अच्छा बोलती है। हाँ अच्छा लग है तो बोलेंगे नहीं, थैंक यू मम्मी। और एक दिखा रहे अच्छा डायलॉग, ये एक अभी को ट्रेंड में चला था ये भी। रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या, बर्तन धो रही थी मैं। अच्छा रोल कौन करेगा, बहुत बढ़िया। तो मम्मी बोल रही है ऐसा रोल कौन करेगा, हम ही करेंगे। और भी एक जो हवा हवाई गाना था हमारा श्रीदेवी जी का, वो वाला गाना भी मुझे बचपन से ये सब चीज बहुत पसंद है, तो मैं इसका भी एक बनाई थी। मम्मी ये कैसा लगा, श्रीदेवी जी का है ये तो बहुत ही अच्छा बेटा। छोटे से ही छोटी देखती थी तू रूम में, पढ़ाई करके थक जाती थी फिर यही सब बनाती करती रहती थी। देखते थे वाह, देखते थे आरे बर्तन ना बेटा करती थी, दिखाती थी हम कर पाएंगे ना श्रीदेवी का रोल किया पूरा। तो बोले हाँ बेटा तू तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। बचपन में सब चीज गाना वाना सुनने का शौक मुझे बहुत ही पहले से ही था, तो ऐसे देखते रहती थी आईना में, करते रहती थी। मम्मी उधर से आती थी और फिर बोलती थी ये क्या कर रही है। एक मम्मी कौन फिल्म का गाना था, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू, वो कौन फिल्म का था, वो हमारा माधुरी दीक्षित का था, संजय कपूर जी भी थे उसमें हीरो। तो वो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं पूरा आँख को ऐसे ऐसे करते रहती थी, मम्मी आके बोलती थी क्या कर रही है। नहीं हमको भी बहुत। और एक कॉमेडी वीडियो मैंने बनाया था, दिखा रही हूँ, ये भोजपुरी भाषा में है। ए हम दिल के बहुत अच्छा लड़का है, तो हम क्या करी ब्याह कले कौची, हम तरह खातिर ताजमहल बनवा दे। हाँ हाँ पहले अपन घर प्लास्टर करवा ले। हम तोरा कैसे कर पाई है बेटा तू, हम कैसे ऐसे एक्सप्रेशन मुंह का बनाना को बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बोल रही है ऐसे कैसे कर पाई बेटा तुम। और एक वीडियो, एक बंगाली गाना जो था एक जीबोने, वो गाना का मैंने किया था तुमी आमी काछा काछी, वो भी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, वो दिखा रही हूँ मैं। सब अच्छा है।
बोलिए तुम सब तरफ फिट हो जाती है, कभी पंजाबी बन जाती है, कभी भोजपुरी गाना में कर देती है, कभी बंगाली गाना में कर देती है। सब तो एक ही है। मुझे गाना कोई ऐसे लैंग्वेज का कुछ नहीं है, मुझे मतलब गाना अच्छा लगता है उसका लिरिक्स, मतलब कुछ जैसे कुछ कन्नड़ गाना भी रहता है, तेलुगु गाना भी रहता है, मुझे समझ में नहीं आने से भी एक फीलिंग्स रहता है ना, सुनने में अच्छा लगता है वो गाना, तो मैं उसको सुनती हूँ बार बार और उसका मीनिंग भी निकालती हूँ कभी कभी, मतलब नेट में जाके सर्च करके उसका लिरिक्स का जितना भी मीनिंग वगैरह सब सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी लैंग्वेज का हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगना तो मैं सुनती हूँ। तुमको देखा तो क्या ये हो गया, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है। तुम जो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मम्मी सबको अच्छा 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 बहुत 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 अच्छा बोल रही है। बहुत ही अच्छा। तब मन से भी, मन की आंखों से देखो तो सब सारी दुनिया हसीन ही है। मम्मी का आज का मतलब बोल रही है, जो अच्छे नजरों से देखो तो पूरा दुनिया हसीन है। नहीं मम्मी तो सच्चा मैंने सही बात है। और मम्मी को एक और वाला भी बहुत ऐसे तो सब बहुत अच्छा लगता है बोलती है, और एक बहुत अच्छा लगता है जो मैं की थी काजल और अजय देवगन जी का, प्यार तो होना ही था का गाना था, आज ही सगाई। अल दिल मेरी तन्हा अकेली अब कटती नहीं रतिया, चल हर जय चल छोड़ के लाए सब दी। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, उस समय में तो छोटी थी, ये सब भी करती थी, हमको समय में फाका समय में हमको बहुत खुशी देती थी बेटा, ये सब दिखाती थी। मम्मी मेरा कितना तारीफ कर रही है। मैं ऐसे भी बहुत खुश रहने वाली लड़की हूँ। तो मम्मी बोल रही है मैं बचपन में भी ये सब करके मम्मी को बहुत मतलब हंसाती थी, और आप लोग देख सकते हो मैं पूरा गोलू मलू हूँ, तो उस टाइम छोटे में भी मतलब थोड़ा सा गाल वगैरह मेरा बहुत बड़ा बड़ा था, जब मैं ऐसे आँख भी बड़ा बड़ा है, तो ऐसे जब एक्टिंग करती थी मम्मी को मतलब देखने में अच्छा लगता था, तो मम्मी को देख के बहुत अच्छा लगता था, देख के बहुत हंसती थी। तो अच्छा है किसी वजह से कोई किसी को खुशी दे सकते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो हमेशा ऐसे बात करो कि दुनिया में मतलब जो भी आपका बात सुने ना उसको खुशी लगे, उसका मन दुख ना हो। दुनिया में सबसे बड़ा मतलब जो होता है ना बुरा चीज़ होता है ना किसी के, हम लोग ट्राई करेंगे, वो तो हर मन का बात कोई नहीं बोल सकता किसका मन में क्या है, पर हमेशा ट्राई करेंगे ना हम लोग जो भी बोल रहे हैं ना दूसरा हमारे सुनने वाले को दुख ना पहुंचे वो चीज़ से। तो सब चीज़ हम लोग को मतलब सोच समझ के बोलना है, और जो भी कर रहे हैं दूसरा को खुशी मिले तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी जैसा अभी समय चल रहा ना, सबको पॉजिटिव होकर अच्छा खुशी रहना। हाँ, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है दुनिया का सब तरफ मतलब इधर रूस यूक्रेन का लड़ाई झगड़ा ये सारा चीज में आप लोग खुश रह सकते हो। कोरोना वायरस कितना दुनिया का हालत क्या हो के रखा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को बहुत ही ज्यादा खुश रहना है। मतलब खुश तभी मिलेगा, हम लोग को ये मिल जाएगा तब हम लोग खुश होंगे, वो मिल जाएगा खुश होंगे, ऐसा नहीं है। अपने पास जो है हम लोग उससे खुश हो सकते हैं, और हमें होना भी चाहिए। खुशी से ज्यादा बड़ा और अपना शांति से बड़ा कोई भी चीज दुनिया में नहीं है, ये मेरे मम्मी ही सिखाई है मुझे, मम्मी पापा ही सिखाए है। मम्मी का आवाज थोड़ा धीरे है क्योंकि कैमरा में हमेशा फेस करती हूँ, तो मेरा आवाज धीरे धीरे बढ़ गया है, मम्मी इतना जोर से नहीं बोल पा रही है बोल के मैं बोल दे रही हूँ मम्मी की तरफ से। मैं कितना दिन से ब्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ ना, इसीलिए तो मम्मी का आवाज थोड़ा सुनाई नहीं देगा बोल के मैं थोड़ा जोर से बोल दे रही हूँ।
तो अभी ऐसा सिचुएशन में हम लोग को खुश रहना है, जो चीज में अच्छा लग रहा है वो चीज करना है, और वही मतलब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव सिचुएशन, हमेशा पॉजिटिव होके रहना है। तो बस यही है। तो चलिए आज का ये छोटा सा ये वीडियो बनाई, मैं शेयर की, आई होप आप लोग अच्छा लगा हो। तो जरूर एक लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, मेरा बहुत सारा वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाके देखिए। मेरा ब्लॉग्स भी रहता है, मैं ब्लॉग्स ही बनाती हूँ। मैं वीकली तो मतलब अभी एक दो ही डाल पा रही हूँ, नहीं तो ब्लॉग्स ही रहता है मेरे चैनल में। हम लोग कहीं घूमने जाए वो सब, कुछ रेसिपीज वगैरह और डेकोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो सारा चीज़ रहता है। आप लोग जाके प्लीज़ 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 मेरा चेक करिए, और अच्छा लगा हो ना जरूर एक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, थैंक यू सो मच।